नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण पर कि वर्ण क्या होते हैं। गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है संगीत की भाषा में। यह चार प्रकार के होते हैं, स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थाई वर्ण, जब आप एक ही स्वर को बार बार गाते हैं तो वह स्थाई वर्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सा को बार बार रिपीट करते हैं, सा 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 सा, तो ये आपका स्थाई वर्ण कहलाएगा। आरोही वर्ण यानी असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आप नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर तक जाते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, तो ये आपका आरोही वर्ण कहलाएगा। अवरोही वर्ण जस्ट उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर, सानी धापा मा गा रे सा, जब आप ऊपर के स्वर से नीचे के स्वर पे आते हैं तो वो आपका हो गया अवरोही वर्ण। संचारी वर्ण, ये तीनों वर्णों का मिक्स है। इसमें आपको स्थाई वर्ण भी दिखाना होगा, इसमें आपको आरोही वर्ण भी दिखाना होगा, इसमें अवरोही वर्ण भी दिखाना होगा। ये तीनों का संयोग है। इसमें सा रे गा मा, मा गा रे सा, सा 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 सा, रे 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 रे, गा मा गा रे सा, तो ये आपका स्थाई वर्ण। और आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, तीनों वर्णों का मिक्स होके ये संचारी वर्ण बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।